दोस्तों गोभी हम कई तरीकों से बनाते हैं। इस बार आप इस तरीके से गोभी बनाइए, बिल्कुल कम तेल में एकदम रिच और बहुत ही टेस्टी गोभी की सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। इसे बनाना भी आसान है और बहुत ही टेस्टी, एकदम परफेक्ट हमारे रेस्टोरेंट में मिलती है ऐसी ही टेस्टी करी बनके तैयार हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले हमने एक भगोने में पानी गर्म करना है, उसमें मैंने एक दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे उबाल देंगे। उबालने के बाद इसे ठंडा होने देंगे। अब दूसरे भगोने में हम गोभी को थोड़ा सा उबाल के ले लेंगे। इसे आधा को खोले लेना है और इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इसके बाद ज़्यादा नहीं, हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे पकने देना है और उसके बाद गैस को आप ऑफ कर दें। गोभी हमारी हाफ कुक हो चुकी है तो आप इसे निकाल लें और साइड में रख लें। अब हम मिक्सचर जार में जो हमने उबाले हुए प्याज और टमाटर थे उन्हें डाल देंगे। टमाटर के ऊपर का जो छिलका है उसे हम हटा लेंगे और इसे पीस के हम फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। इसके साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे 8 से 10 काजू। इनका सबका हम अच्छे से एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब दोस्तों आप एक पैन ले लें, 2 टेबल स्पून आप इसमें ऑयल ले लें। इसमें डालेंगे खड़े मसाले, तो 2 छोटी इलायची, 2 से 3 लवंग, दालचीनी और 1/2 चम्मच जीरा। अब इसमें हम डाल देंगे हमारी उबली हुई गोभी। गोभी को अच्छे से हमें ऑयल पे फ्राई होने देना है। 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे, तेज आंच पे ही करेंगे। गोभी हमारी पकी हुई है ऑलमोस्ट हाफ, सो 2 से 3 मिनट अच्छे से इसे फ्राई कर लें। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक के पेस्ट को भी हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर दें, जिंजर गार्लिक का जो कच्चापन है वो चला जाए, तब तक ही हमें इसे भूनना है। अब इसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे, तो 1.5 चम्मच मैंने इसमें लिया है धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच मैंने इसमें लिए है लाल मिर्च पाउडर। थोड़ी सी चुटकी भर हम इसमें डाल देंगे हल्दी और साथ ही साथ 1/2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे जीरा का पाउडर। भुना हुआ जीरा लिया है मैंने। अब इसे अच्छे से मिक्स करें, 2 मिनट के लिए हम अच्छे से भून लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भून जाए, देखिए बढ़िया अच्छी सी महक आने लग गई है। इसके बाद आप इसमें हमारा जो टमाटर और ऑनियन का पेस्ट बना के रखा है वो पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स करें। अब बढ़िया से ऑयल छूटने तक हमें इसे पकाना है, धीमी आंच पे ही पकने देना है। जब तक ये मसाले अच्छी तरह पूरी तरह ऑयल छोड़ने न लग जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, 1-2 टेबल स्पून पानी, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। ग्रेवी हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए ढक के पकने देंगे, ताकि जैसे मैंने कहा कि जब तक मसाला ऑयल ना छोड़े हमें इसे पकाना है, तो इसे अब हम ढक देते हैं। देखिए 3 से 4 मिनट बाद आप देख सकते हैं चारों तरफ ऑयल निकल गया और ग्रेवी जो है वो एकदम बहुत ही बढ़िया रिच ग्रेवी जैसी बनके तैयार हो गई। इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया ही आ रही है। तो हमारी गोभी ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। अच्छे से इसे मिक्स कर दें और देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से कम तेल में एकदम परफेक्ट होटल जैसी रिच ग्रेवी बनके तैयार है। तो एक बार आप इसे ज़रूर बना के देखें।